हेलो डियर फूडीज, खाना खजाना विद स्नेहल में आपका स्वागत है। दोस्तों, चाय तो सबको पसंद होती है, अगर वो मसाला चाय हो वो तो सेहत के लिए और भी फ़ायदेमंद। तो आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मसाला चाय। तो यहाँ पे जो आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो उसका अपना अपना अलग अलग स्वाद है, अलग अलग फ़ायदे है। जैसे कि सौंठ पाउडर वेट लॉस के लिए फ़ायदेमंद है, तो इलायची डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, और हमें पता है दालचीनी तो कमाल की चीज़ है, इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये एज अ एंटी डायबिटिक भी यूज़ होती है। काली मिर्च तो एंटीऑक्सीडेंट है, और लौंग तो हमें पता है सर्दी ज़ुकाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम देखते हैं इसका प्रोपोर्शन हमने क्या क्या लिया है। सौंठ पाउडर 2 टेबलस्पून लिया है, ये एक होममेड सौंठ पाउडर है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। इलायची 1 टीस्पून लिया है, दालचीनी 1 टीस्पून, काली मिरी 1 टीस्पून एंड लौंग भी 1 टीस्पून। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैं टेबल स्पून बोलती हूँ तो ये बड़ा चम्मच है, स्पून है, और ये 1 टीस्पून का अलग स्पून है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। सौंठ पाउडर हमने टेबल स्पून में लिया है, बाकी सारी चीज़ें टीस्पून में लिया है। अभी ये सारी चीज़ें हमें मिक्सी में पीस के लेनी है, इसका एक फाइन पाउडर बनाना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी फाइन पाउडर बनके हमारी रेडी है, और इसकी महक तो बहुत बेहतरीन और मसालेदार आ रही है। इसे छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चाय में जाके एक बार पकने वाली है, और हम चाय तो छान के लेते हैं। तो आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे रखिए, 4-5 मंथ तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म मसाला चाय। यहाँ पे हम 2 कप चाय बनाएंगे, तो 1 कप में पानी डालूंगी और 1 कप दूध डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाय पसंद है तो आप इसे 2 कप दूध में भी चाय बना सकते हैं, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो पहले हम डालते हैं पानी, उसके बाद हम 3 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चाय पत्ती। अच्छी उबाल आने देंगे चाय को। आप देख सकते हैं चाय को अच्छी उबाल आई है, तब हम ऐड करेंगे हमने बनाया हुआ है वो मसाला। और वो मसाला बस आपको 1/4 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब ऐड करते हैं मिल्क। दोस्तों, चाय का स्वाद तो उसके उबलने पर डिपेंड रहता है, तो हमें इसे अच्छे से 5 मिनट तक तो अच्छे से उबालना है, ताकि सारे मसालों का स्वाद इसमें उतर जाए। तो हमारा चाय रेडी है, अभी हम इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये तो बहुत हेल्दी है। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड बी हेल्दी। अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें तो आपको ये आयुर्वेदिक मसाला चाय ज़रूर पीनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये मसाला और मसाला चाय ज़रूर बनाइए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर इसे शेयर और लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सकें। थैंक यू, बाय बाय।